चलिए सात के द्वारा इसमें रेड हो रहा है। पहला रेड जो राइट कॉर्नर पर डिफेंडर है उनके भी जर्सी का नंबर 4 है और रेडर के जर्सी का भी नंबर 4। दीपो इस समय रेड पर है और रनिंग हैंड टच की कोशिश कामयाब। लंबा स्ट्रेच लगाते हुए उन्होंने राइट कॉर्नर का शिकार किया। इस समय अवसर निश्चित तौर से एक सुनहरा भविष्य है। बहुत ही लाजवाब टेक्निक है इस खिलाड़ी के पास। निश्चित तौर से जब इसकी जांघें नियर अबाउट 27-28 इंच की होंगी तभी आप देखिएगा इसका खेल कितना बेहतरीन है। बॉडी में अभी जान बाकी है, थोड़ा बहुत कम है जिसकी वजह से इधर रेडर प्रतापगढ़ स्टेडियम फिलहाल रेडियम की जाता हुआ अब सत एक बार फिर से रेड पर कोर्ट। छह खिलाड़ी हैं कोर्ट पर, दोनों साथ हैं। लंबा स्ट्रेच लगाकर रनिंग हैंड टच की कोशिश लेफ्ट कवर पर यहां पर लाइन जंप लगाने बचने की कोशिश की गई लेकिन क्या खूबसूरती के साथ सुफारी ने कैच कर लिया। दोनों एंकल होल्ड करते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया और पहले ही टाइम में यहां पर अटेम्प्ट दिया गया बोनस का और समझौता यहां पर स्वीकार भी कर लिया गया है। डैश करने की कोशिश कामयाब नहीं हुए। बोनस प्लस 2 यानी कि सुपर रेड लगाते हुए इधर रेडर प्रताप ये खूबसूरती के साथ स्कैप किया यहाँ पर बचाया और एक पॉइंट अर्जित किया। जय जय पहले हाफ का खेल चल रहा है। 5 खिलाड़ी इस समय कोर्ट पर और यहाँ पर खूबसूरती के साथ स्कैप करते हुए अपने आप को सेफ किया रेडर ने। अखंड जो कि राइट कॉर्नर पर खेल रहे थे उनका शिकार किया यहाँ पर रेडर ने। दुखी लगाई तो और यहाँ पर अंततः कामयाब रहे एक और सुपर रेड लगती हुई। लास्ट शराब क्या बुझेगा या फिर उस टच पॉइंट ला करके अपने खिलाड़ियों को रिवाइव कराकर थोड़ी देर के लिए टाल सकेंगे। ऑल आउट का जो खतरा मंडरा रहा है इनके ऊपर और यहाँ पर शिकार किया गया। बहुत ही खूबसूरती के साथ मुबारक के द्वारा कैच किया गया जो कि इस समय राइट कवर पर खेल रहे थे। हालांकि एक बार फिर ऑल आउट होकर के रिवाइव हो चुकी है टीम। और यहाँ पर टच पॉइंट लेकर के बड़ा शिकार किया यहाँ पर दीपो ने। इस समय रेड पर जबकि कोर्ट फुल हाउस है हैंड टच के जरिए यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया उन्होंने। एक पॉइंट पकड़ा लिया गया है यहाँ पर हर सबको। पहले हाफ का खेल इस समय चल रहा है। सेकंड राउंड का पहला मैच पहला हाफ इधर से एक बार फिर से रेड पर यहाँ पर जी हाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ शिकार किया है। लेफ्ट कॉर्नर का सफाया किया है क्योंकि इस समय मुबारक खेल रहे थे। जैद ने निश्चित तौर से बहुत ही बेहतरीन खेल का नजारा पेश किया है पिछले दो रेड में।
रिजवान जो कि इस समय रैंक कॉर्नर पर खेल रहे हैं, शूट करने की कोशिश उनके द्वारा लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि पांच खिलाड़ी हैं तो बोनस है नहीं, टेबल टच पॉइंट भी नहीं सकता था। अरे हाफ टाइम का खेल समाप्त हुआ।